हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो का मेन पर्पस ये है कि व्हाट इज डिपेंडेंट वीज़ा, डिपेंडेंट वीज़ा कौन अप्लाई कर सकता है, डिपेंडेंट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं और डिपेंडेंट वीज़ा पे कितना आवर्स काम कर सकते हो। इन शॉर्ट डिपेंडेंट के रिलेटेड आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। आज के वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये भी है कि बहुत सारे लोग मुझे डीएम कर रहे हैं, यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे उनको सवाल है। सो आई विल सॉल्व देयर ऑल डाउट्स। तो सबसे पहले, हु कैन अप्लाई अ डिपेंडेंट वीज़ा? योर वाइफ, योर हस्बैंड, योर सिविल पार्टनर और योर चाइल्ड कैन अप्लाई अ डिपेंडेंट वीज़ा। सो सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर द डिपेंडेंट वीज़ा? सो फॉर योर हस्बैंड एंड वाइफ यू कैन शो अ मैरिज सर्टिफिकेट, एंड सिविल पार्टनरशिप यू कैन शो अ पार्टनरशिप सर्टिफिकेट, एंड योर चाइल्ड यू कैन शो अ बर्थ सर्टिफिकेट। द थर्ड क्वेश्चन इज फंड रिक्वायरमेंट। फंड रिक्वायरमेंट के लिए आपको 28 डेज पुराना फंड दिखाना पड़ेगा, और आप अगर लंदन में रह रहे हो तो फंड आपको 7605 पाउंड दिखाना पड़ेगा, और आउटसाइड द लंदन रह रहे हो तो आपको फंड दिखाना पड़ेगा 6120। तो ये आपका हो गया फंड का रिक्वायरमेंट। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, वीज़ा फीस कितनी होती है? वीज़ा फीस है 475 पाउंड्स, एंड आपका ईयरली हेल्थ सरचार्ज जो रहेगा NHS का 624 पाउंड्स रहेगा। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज, IELTS इज मैंडेटरी और नॉट? सो डिपेंडेंट वीज़ा के लिए IELTS की ज़रूरत नहीं है, तो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है ये, डिपेंडेंट जो भी आ रहा है उसको IELTS देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ हार्ड इट इज़? डिपेंडेंट वीज़ा एक इजी कैटेगरी है, अनलेस एंड अनटिल आपने अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट्स नहीं दे दिया है, तो बाकी इजीली वीज़ा मिल जाता है डिपेंडेंट वीज़ा पे। दैन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वीज़ा इंटरव्यू आता है कि नहीं आता है, और एम्बेसी पे क्या सवाल होता है? सो पहली बात तो डिपेंडेंट का वीज़ा कोई इंटरव्यू होता नहीं है, दूसरी बात आपको एम्बेसी पे नॉर्मल ही सवाल करते हैं जो आपको रिलेशनशिप प्रूव करनी होती है। तो आप अगर मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हो तो बहुत ही इनफ हो जाता है, क्योंकि आपको ज़्यादा सवाल नहीं होता है, जो सवाल पूछते हैं वो मेन एप्लीकेंट को पूछते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिपेंडेंट की फाइल कब रखनी चाहिए? सो इसके लिए बहुत सारे मिथ है लोगों में कि स्टूडेंट के बाद ही अप्लाई करना चाहिए, स्टूडेंट के साथ नहीं करना चाहिए, रिजेक्शन आ सकता है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कहीं पे भी, ना इमिग्रेशन वेबसाइट पे है ना कहीं पे भी। सो आप डिपेंडेंट वीज़ा एक साथ स्टूडेंट के साथ ही लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अनलेस एंड अनटिल आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है तो इसमें भी वीज़ा मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और उसके बाद भी अगर वीज़ा फाइल करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपकी चॉइस है आपको कब अप्लाई करना है, बाकी प्रायोरिटी आप पहले वाले को भी दे सकते हो, सेकंड वाले को भी दे सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई होप मैंने सारे सवाल आपके कवर कर दिए होंगे, आपको शायद डिपेंडेंट के रिलेटेड अभी कोई सवाल नहीं बचा होगा, बट इफ स्टिल अगर कोई भी सवाल बच जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम है डिपेंडेंट रिलेटेड कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं वहाँ पर तुरंत रिवर्ट कर दूंगा। देन ऑल्सो आपको वीज़ा के डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नीचे एक लिंक मिलेगी, आपको लिंक में जाके क्लिक करो, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे वहाँ पे। एंड लास्टली आई होप आई सॉल्व योर ऑल डाउट्स, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड ऑल्सो फॉलो माई इंस्टा हैंडल। सो वहाँ पर भी मैं लोगों को काफ़ी तुरंत रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर अवेलेबल रहता हूँ, मैंने मेरी इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। अगर आपको मेरा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड सी यू सून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।